हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो भाई आज ये बच्चे मिले मुझे और ये यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे कूड़ा उठा रहे थे और यहाँ से मैंने इससे पूछा कि आपका घर कहाँ है, तो इन्होंने कहा कि मेरा घर यहाँ पे है और इसके साथ मैं यहीं पे आया हूँ। तो बेटा क्या प्रॉब्लम है, स्कूल में नहीं जाते आप? कोई पढ़ाता ही नहीं हमारे को, हम पहले पढ़ते थे तो वो बोलते हैं कि तुम कूड़ा चुकते, हम तुम्हारे को नहीं पढ़ाएंगे। कौन बोलता है ऐसा? वो हमारे सर जी बोलते हैं। सर बोलते हैं? मम्मी पापा नहीं आपके? कहाँ है मम्मी पापा? गुजर गए। गुजर गए? कितने भाई बहन हो आप? चार बहन, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अच्छा, ये आपका घर है? हाँ। तो दोस्तों देख सकते हो आप, चले जाओ अंदर। चलो। तो भाई दोस्तों आप देख सकते हो कि ये देखिए इनके घर की हालत क्या क्या है भाई इस घर में, देख लेते हैं एक बार। देख लो, ये कुछ कंबल है, कुछ कपड़े हैं और ये एक गद्दा है भाई यहाँ पे। ये देखो एक गद्दा है सिर्फ, और ऐसा कुछ नहीं है। एक पानी है, चूल्हा वगैरह नहीं है यहाँ पे? भैया द्वारे गैस नहीं, चूल्हा है। कहाँ है चूल्हा? और ये चूल्हा है भाई इनका। तो भाई ये इनकी बड़ी बहन है। नमस्कार जी। तो फिलहाल आप बताइए कि आप यहाँ पे खाने के लिए क्या आपके यहाँ पे? खाने के लिए तो कुछ भी नहीं, शाम सुबह से कूड़ा बीनते हैं और शाम को फिर आटा वाटा चावल आवल हम मोल लाते हैं। कितने कमाते हो पूरा दिन में? दिन भर में 150-200 रुपए। इसमें गुजारा हो जाता है? कैसे भी करके गुजारा। परिवार में कितने आदमी है? परिवार में तो चार तो आप ही हो गए, एक ये तीन तो लड़की ये होगी। घर वाला है? एक घर वाला। घर वाला क्या करता है? घर वाला भी एक कूड़े का काम करता है, कभी कभी मजदूरी मिल जाए तो वो कर लेते हैं। वो कर लेते हो? तो बच्चे स्कूल में नहीं गए आप? नहीं, ये लोग पढ़ने जाते थे सिटी शर्मा हॉस्पिटल वाले में, तो उन्होंने बोला कि आप बहुत गंदे आते हो, यहाँ मत आया करो, अपने माँ बाप को बोलो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा, इतनी औकात नहीं है कि अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। गुजारा बड़ी मुश्किल से होता, तो पढ़ाएंगे कहाँ से। और कोई है भी नहीं, भाई भी नहीं है, बस चार बहनें। तो फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हो कि भाई ये देख लो इनकी झोपड़ी है, आंधी आया तूफान यही है भाई जो भी है इनका है। और यहाँ रहने का भी कोई बंदोबस्त नहीं है, कभी भी यहाँ से भगा देंगे। कौन? ये जगह वाले, ये सारे सेक्टर में भगा। अच्छा, आपने ये प्राइवेट झुग्गी डाली हुई है? डाल रखी, कभी यहाँ कभी वहाँ, विद्रोह पे थे फिर फाटक पे थे फिर यहाँ गए, अब यहाँ से भगाने पता नहीं कहाँ जाएंगे। देखिए हमसे जितना होगा हम आपके लिए उतना करेंगे, कोई परमानेंट नहीं, ठीक है। और भाई आप ये देख सकते हो आपने सुबह से खाने के लिए कुछ नहीं बनाया है? कुछ भी नहीं, यहाँ पे एक वो है, बस स्टैंड है वहीं पे खाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, क्या बस स्टैंड है सामने, वहाँ जाते हैं बच्चों को लेके, वहाँ से खिला के ले आते हैं, वहाँ से खिला के लाते हैं। वहाँ पे भंडारा रहता है, वहाँ खिला देते हैं। भंडारे में खाता है बेटा? अच्छा जी। तो भाई ये आप देख सकते हो, और हटाना बेटा थोड़ा सा, ये देखिए भाई, ये देखिए चप्पल, ये चप्पल देखिए भाई, अलग अलग तरह की है, अलग अलग नंबर की है। और बेटा ये किसकी चप्पल है? मेरी। तेरी चप्पल है? चप्पल नहीं है? नहीं। जूते? नहीं। जूते भी नहीं है? तो चलो आप लोगों के लिए हम जूते लेके आते हैं, ठीक है? दे जाते हैं यहाँ के कॉलोनी वाले भाई, हम पहनते। अच्छा, वो दे जाते हैं कपड़े वपड़े जो उनके घर में बसते हैं ना, कपड़े फटे पुराने वो हमें दे जाते हैं, हम पहनते हैं। अच्छा, वही चलाते हैं। और खाने का कुछ रखा है या नहीं रखा है? खाने का तो कुछ भी नहीं है, अब शाम को कबाड़ा बड़ा बेच के फिर लाएंगे यहाँ से। है सुबह पास्ता बनाया था, ये खाया सुबह से। दिखाना, खोल बानी। ये है भाई पास्ता, ये बना रखा इन्होंने। चूल्हा वगैरह आपने दिखा दिया है, वो है, कोई गैस सिलेंडर नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा बस यही है कि यहाँ से कभी कभी ये भी निकाल देते हैं रात को ले। अच्छा, एक बल्ब लगा रखा भाई इन्होंने, जो कि वहाँ से ये तार लेके आए हुए हैं। और फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पे ये सभी झुग्गी वाले हैं, पर हम उनकी हेल्प करते हैं जो जिनका। अच्छा, परिवार में माता पिता नहीं है ना आपका? दोनों गुजर लिए, पहले बाप गुजर लिया फिर माँ गुजर गई। कितने साल पहले गुजरे थे? ये तो 3-4 साल हो गए, माँ गुजर हुए, बाप तो बचपने में ही गुजर गए थे बच्चे के कारण। 4-5 साल जब तो छोटे छोटे हो गए है ना? हाँ, बहुत छोटे थे। ये देखिए भाई, एक ये गुड़िया है, एक ये है, एक ये है,
और चौथे आप हो ना। तो भाई फिलहाल इन बच्चों के लिए जूते प्रोवाइड कर दिए हैं, एक बार खोल के दिखा देगा। ये जो जो साइज हमने लिया था वो साइज आ गया है। चार नंबर किसका था भाई? चार नंबर था ना। ये लो, ले राहुल पकड़ फोन। चार नंबर और किसका था? चार नंबर था। ये ले। और किसका था चार नंबर? बढ़िया। ये आएगा ठीक है, मैं तो ये वाला ले लिया। बच्ची कौन थी वो? एक बच्ची की छोटी सी। ये भाई कुछ राशन है जो कि मैं, ये दो झोपड़ी थी यहाँ पे, मैंने इन सभी के लिए ये भी घर किया, ये उनके लिए है ठीक है। और ये कुछ चाय पत्ती है, आप हाफ कर लेना दोनों। और ये बच्चों के लिए कुछ खाने के बिस्किट है। ये चीनी, और ये बेटा आपकी चीनी, अलग अलग लेके आया हूँ मैं सभी। ये कुछ चावल है, ये दाल है, और ये आटा है। तो भाई फिलहाल इनके लिए जो भी, जैसे मैंने सोचा कि भाई ठंड है बच्चों के लिए शूज वगैरह, और भाई खाने पीने का मैंने इनके यहाँ देखा था, सुबह से कुछ नहीं बनाया था, एक थोड़ा सा क्या बना रखा था वो, पास्ता, पास्ता बना रखा था। बच्चा ये जितने भी बच्चे भाई इस पास्ता में पेट भर रहे थे सभी बच्चे यहाँ पे। तो भाई मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि ये भी खुश हो जाए और मेरा दिल भी खुश हो जाए। तो भाई बच्चों के लिए शूज, क्योंकि ठंड आ रही है, इनको खांसी जुकाम, मैंने बहुत से देखा कि यहाँ पे बहुत से बच्चे छींक रहे हैं, बीमार है वो बहुत सारे। तो भाई मैं इनको डॉक्टर के भी लेके जाऊंगा ताकि इनको ये हो कि भाई ठीक हो, और ये नंगे पैर नहीं घूमने चाहिए अभी ठीक है। और आप कह रहे हो कि काम नहीं है हमारे पास, भैया कह रहे हैं ना, ये भैया कह रहा है काम नहीं है, तो मैं आपको काम दिला के जाऊंगा यहाँ पे ठीक है। आपको कूड़ा उठाने की कोई जरूरत नहीं होगी, अपने बच्चों को अच्छी तरह स्कूल में एडमिशन दिलाई, जो अभी स्कूल अभी 2 दिसंबर है, अभी मार्च में एडमिशन दिलाना है इनको। क्या सोचते हो कि आपके बच्चे आपके जैसा बन जाए? नहीं है, ये नहीं है ना। हमारे तो तकदीर ऐसी लिखी भगवान ने कि हमें दो वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता तो पढ़ाई नहीं होता। देखो आजकल सरकारी स्कूलें भी ऐसी हैं, बहुत सारे स्कूल में हमने ट्राई किया पर किसी न किसी चीज में नुक्स निकाला, कभी बच्चों के कपड़े देख के, कभी बच्चों से झगड़ा करके किसी को करने। आज हम खाने के लिए और जूते लेके आए हैं, कल हम इन बच्चों के लिए कपड़े लेके आएंगे ठीक है। तो भाई हमारा इस वीडियो से यही मैसेज है कि भाई ऐसे ऐसे लोग आप लोगों को अगर दिखें तो इनकी प्लीज हेल्प करा करो, और अगर किसी भाई के पास खाने के लिए नहीं तो इनको खाने के लिए जरूर दीजिए, ताकि ऐसे बच्चों का पेट कौन भरेगा भाई, और ऐसी बहनों का पेट कौन भरेगा, क्योंकि कमाने वाला नहीं है, होता तो भाई क्या करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो भाई इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं कोई न्यू हेल्पिंग वीडियो में, तब तक के लिए रहा।